घर पे अपनी मिक्सी में ऐसा केले का जूस बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए घर पे केले का जूस कैसे बनता है। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा केले का जूस कैसे बनता है। आप ऐसा स्वादिष्ट केले का जूस अपने घर पे भी बना सकते हो। अब हमने 3 गिलास जूस बनाने के लिए हमने 6 केले लिए हैं। ये 6 केले इसके अंदर हम डाल देंगे। आप इसको छोटे छोटे भी कर सकते हो और आप बड़े भी डाल सकते हो। हमने 6 केले इसके अंदर डाल दिए। इसी प्रकार से आप अपने घर पे भी स्वादिष्ट केले का जूस बना सकते हो, जैसे कि बाज़ारों में बनाया जाता है। और इसके लिए हम थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, जैसे कि हमने 3 गिलास के लिए 6 केले डाल लिए हैं और लगभग 1 गिलास दूध का डाल दिया है। अब हम इसको एक बार मिक्सर कर लेंगे। हमने इसको कितना ठंडा रखना है उसी हिसाब से हम इसके अंदर आइस डाल लेंगे, जो बर्फ हमारी। ये इसके अंदर बर्फ जमाई हुई है, हम बर्फ डाल रहे हैं। जैसे कि हमने बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जमाए हुए थे, ये इसके अंदर हमने डाल दिया है। हमारी बर्फ इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक बार फिर स्वाद अनुसार आप इसमें मीठा डाल लीजिए। जैसे कि 3 गिलास है तो हम इसमें 3 ही चम्मच मिट्टी की डाल देंगे। हमने 3 चम्मच इसमें मीठे की लगा दी। जो ये हमारी अमूल की आइसक्रीम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी स्वाद अनुसार। जो अमूल की आइसक्रीम है बाजार में, आपको जो कि किल 1 लीटर का डब्बा है, 2 लीटर का, जो भी आपको 500 ml का डब्बा है, उसी प्रकार से अमूल की आइसक्रीम भी, जो कि आपका स्वाद बढ़ा देती है केले का जूस का, इसलिए हम इसमें जैसे कि हमारा जूस तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लें। अब हम इस जूस को इन गिलासों में डाल देंगे। थोड़ी सी अमूल की आइसक्रीम इसके ऊपर लगा दिया हमने। ये हमारे कटे हुए बादाम, काजू और इसके अंदर केसर है। अब हम काजू, बादाम, केसर, अब हम इसको ऊपर थोड़ी थोड़ी ये हमारी लाल और हरी चेरी हैं, थोड़ी थोड़ी हम चेरी इसके ऊपर देते हैं। जो ये है मुआवजा, इससे हमारे जूस के अंदर टेस्ट बढ़ जाता है। जो कि कच्ची कच्ची स्माइल आती है, वो स्माइल भी नहीं आती इससे।
और थोड़ा डेकोरेशन के लिए इस प्रकार से जी। अब ये मोल वाला जूस तैयार हो गया है। इसी प्रकार से आप भी अपने घर पे जूस बना सकते हो।